अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल सोर्स ऑफ आर्किन कंपाउंड जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं जिसमें जो फर्स्ट नंबर पर था कोल और जो सेकंड नंबर पर था नेचुरल गैस और जो आज थर्ड नंबर पे है पेट्रोलियम ठीक है तो आप आ जाएँ देखते हैं क्या है पेट्रोलियम तो सबसे पहले जो नेचुरल सोर्स ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड उसमें से जो पेट्रोलियम है ये भी आपका क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड है तो जो पेट्रोलियम है एक क्या है कंप्लेक्स मिक्सचर है क्या कंप्लेक्स मिक्सचर है तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें क्या पेट्रोलियम क्या है अ ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड सीप्स आउट ऑफ द ग्राउंड दिस लिक्विड इज कॉल्ड पेट्रोलियम ठीक मीन्स जो एक ब्लैक uh, लिक्विड होता है जो जिसकी नेचर क्या होती है थिक स्टिकी लिक्विड होता है और सीप्स का मतलब ये होता है जो मीन्स जो कतरा कतरा बह कतरा कतरा होकर गिरता है ठीक है तो ग ये जो पेट्रोलियम होता है अंडरग्राउंड द अर्थ दिस लिक्विड इज कॉल्ड पेट्रोलियम उसको हम क्या कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम कहते हैं ठीक है उसके बाद जो पेट्रोलियम के और इम्पॉर्टेंट नेमिंग होते हैं तो आप उसको भी देखें जो पेट्रोलियम आल्सो नॉन एज आल्सो नोन एज जिसको हम कहते हैं रोक आयल वेरी इंपॉर्टेंट रोक आयल सेकेंड इसको क्रियूड आयल भी कहा जाता है और थर्ड इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है ये वेरी इंपॉर्टेंट नेम इसके पेट्रोलियम के समटाइम ये जनरल टेस्ट में पूछा जाता है ब्लैक गोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट नेम तो ये ब्लैक गोल्ड आ जाए तो आप वहां पर करना पेट्रोलियम पर कर लेना उसके बाद पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम है रिच सोर्स ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड सबसे क्या है रिच सोर्स ऑफ कंपाउंड जैसे आप जो हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करवाएंगे रिच सोर्स ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मीन्स इसको डिकम्पोज करवाएंगे तो ओपन वेरियस आर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे लाइक अल्केन लाइक अल्केन अल्केकैन मिलेंगे एरोमेटिक एंड साइक्लिक कंपाउंड एट वेरियस टेम्परेचर पर इसमें जो ये प्रेजेंट होते हैं लाइक like अल्केन भी मौजूद होता है अल्किन एरोमेटिक एंड साइक्लिक कंपाउंड एट वेरियस टेम्परेचर पे आप क्या कर सकते हो इसको ऑप्टेन कर सकते हो उसके बाद क्या है मिलियन ईयर्स अगो मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है जब जो ये एरोबिक जब अगो बाय द एरोबिक डिकम्पोजिशन एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स ठीक यहाँ पर क्या है वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स की जो ज़मीन पर जो उसकी डिकम्पोजिशन होती थी तो मीन मिलियन ईयर्स अगो जो किसकी प्रेजेंस में एन एरोबिक प्रोसेस के प्रेजेंस में जब वो उस बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते थे तो वहाँ पर जो पेट्रोल वहाँ पर मिलता है ठीक है तो उसमें मोर देन फाइफ क्या है मोर देन फाइव हंड्रेड कंपाउंड ऑप्टन फ्राम द पेट्रोलियम तो हमसे जो हम क्या पेट्रोल में से 500 हंड्रेड आर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं तो किसकी जरिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की वजह से फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है तो आ जाएं उसकी डेफिनेशन देखते हैं तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है वाट इज फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इट इज सेपरेशन इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ अ डिफरेंट इन दियर बॉइलिंग पॉइंट ओपटेन एज नॉन एज अ फ्रैक्शन डिस्टिलेशन तो आई मीन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एक आपका वो प्रोसेस है जब करियूड आइड या पेट्रोलियम को हम उसको टेम्परेचर देंगे तो उसकी डिफरेंट कॉलम पर उसकी फ्रैक्शन होती है तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ठीक है तो देखिए ये आपके सामने जो ये कालम आपके सामने जो नज़र आ रहा है ये जो कालम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन तो इसमें क्या होता है जब आप इसको क्रियूड ऑयल इसमें पुट करेंगे क्या जब इसमें आप क्रूड ऑयल पुट करेंगे तो तो उसको आप टेम्परेचर देंगे तो उसमें जो डिफरेंट कंपाउंड आप इसमें से आर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं जैसे इसमें क्या होगा पुट होगा ठीक है तो ये जो आपके सामने जो एक कालम नज़र आए इसको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहते हैं तो इसमें जो एक तो ये जो इसमें इसका जो टेम्परेचर की पैरामीटर जो सामने आपको नज़र आए हैं डिफरेंट टेम्परेचर और जो इसके जो साइड में ये सामने नज़र आए इसमें जो कार्बन का तदाद होता है जो आर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कार्बन का तदाद और जो ये इसमें नेचर ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड की होती है ठीक है जैसे आप इसको डिस्टिलेशन करवाएंगे तो तो इसमें क्या है क्रूड ऑइल इज कैराइड टू द कॉलम हम क्रूड ऑयल इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे किस में कॉलम में इट इज हीटेड एंड प्रोडक्ट ऑप्टेन द वेरियस टेम्परेचर तो इसमें क्या होता है जब इसको हीट करेंगे तो हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टेन होंगे ऑप्टन है वेरियस ऑर्गेनिक कम्पाउंड हमें वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे ठीक है तो इसमें से क्या है तो जैसे यहाँ पर ट्वेंटी डिग्री जब ट्वेंटी डिग्री जो ये बिलो बिल्लो मीन्स जो ट्वेंटी से कम तो उसमें जो कार्बन कार्बन का कहता था वन से लेकर कार्बन फोर तक तो उसमें जो नेचुरल गैस प्रेजेंट होगा क्या उसमें नेचुरल गैस प्रेजेंट होता बोटल गैस भी होता है और पेट्रोकेमिकल भी उसमें प्रेजेंट होती है उसके बाद जो सेकेंड तो उसमें जो टेम्परेचर जो है ट्वेंटी से लेकर सिक्सटी डिग्री तो उसमें जो कार्बन का तैयार फाइव से लेकर सिक्स कार्बन वो क्या होता है पेट्रोलियम होता है और ईथर भी होता है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं तो उसके बाद जैसे जो आपका टेम्परेचर सिक्सटी से लेकर वन वन ट्वेंटी सेंटीग्रेड डिग्री तक तो उसमें जो कार्बन का तादाद होगा कार्बन सिक्स से लेकर कार्बन सिक्स से लेकर सेवन तक उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है वो उसको कहते हैं लिग्रोइन सॉल्वेंट एंड नेपता ठीक है उसके बाद जैसे टेम्परेचर मीन्स फोर्टी uh, से लेकर टू हंड्रेड सेंटीग्रेड तक जो उसमें जो कार्बन का तादाद होगा फाइव कार्बन से लेकर कार्बन टेन तक उसका वो तो वो क्या होता है गैसो लाइन होता है ठीक है वो क्या होता है गैसो लाइन होता है उसके बाद जैसे इसकी फ्रिक्शन देखेंगे तो वन सेवेंटी फाइव से लेकर थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू ट्वेंटी फाइव सेंटीग्रेड तो उसमें जो कार्बन का तैदाद होगा कार्बन ट्वेल्व से लेकर कार्बन एटीन तक तो उसमें क्या केरोसिन एंड जेट फ्यूल आपको मिलेंगे तो ये जो सारे जो सारे के जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये फ्यूल होते हैं ठीक है तो उसके बाद जैसे जो टेम्परेचर 250 से लेकर 400 सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड तो उसमें जो कार्बन होगा कार्बन जो से हायर होगा तो मीन्स ये जो होता है गैसो गैस ऑयल उसमें प्रेजेंट होता है फ्यूल ऑयल प्रेजेंट होता है और उसमें डीजल ऑयल भी प्रेजेंट होता है उसमें जो कार्बन का तैदाद होगा कार्बन से भी ज़्यादा उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके बाद जो टेम्प जो इसको टेम्परेचर फोर हंड्रेड से हाई तो उसमें भी जो का जो कार्बन ट्वेंटी से ज़्यादा होंगे तो वो क्या हायर इससे भी ट्वेंटी से भी हायर होंगे तो वो क्या नॉन वोल्टा नॉन वोल्टाइल लिक्विड होगा गए नॉन वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है रिफ़ाइन मिनरल्स प्रेजेंट होता है क्या रिफाइंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है और लिव्रिकेट होता है लिब्रिकेट ऑयल भी होता है और ग्रीस भी उसमें आ जाता है उसके बाद अबो 400 सेंटीग्रेड से तो उस कार्बन का फिर से इस जो कार्बन का था ट्वेंटी से भी हायर होगा तो वो भी क्या होता है नॉन वोल्टा लिक्विड होता है जिसमें पैराफिन वैक्स और एसफाल्ट एंड टार इसमें क्या होता है प्रेजेंट होते हैं ये भी एक हेवी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये अब देखें जो इसकी डिफरेंट फ्रैक्शन पर डिफरेंट कार्बन मिल रहे थे तो उसके जो नेचर उसके जो यूजेज जो आपके सामने गेविन है ठीक उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो ये कॉलम है कॉलम से जो ऊपर वाला जो पार्ट है तो उसमें आपके एक लो मालिक्स प्रेजेंट होंगे तो जो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें आपके क्या होंगे हाई या लार्ज मालिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो इसमें देखेंगे जो स्मॉल मालिक्यूल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है तो वो उसकी क्या होती है जो स्मॉल मालिक्यूल होता है तो उसकी क्या होती है लो बॉइलिंग पॉइंट होती है क्या लो बॉइलिंग पॉइंट होती है लो बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद वेरी वोल्टाइल वो मीन्स उसकी जो वोल्टाइल नेचर होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है ठीक है उसके बाद आप देखेंगे वो इजी ईजियर टू इग्नाइट हम उसको ईजीली इग्नाइट कर सकते हैं इग्नाइट मीन उसको हीट दे सकते हैं या उसको मीन्स जला सकते हैं तो वो जो फिल फ़्लो ईजीली हो सकते हैं ठीक है जो शमाल मालिकल होते हैं शमाल मालिकल क्या होते हैं लो बॉयिंग पॉइंट होती है वेरी वोल्टाइल होते, है. है। होते, है। होते हैं ईजियर टू इग्नाइट और जो फ़्लो ईजीली हो सकते हैं उसके बाद जो लार्ज मालिकल होते हैं क्या उसके बाद जो लार्ज मालिकल होते हैं तो उसमें क्या होता है तो जो लार्ज मालिकूल होते हैं उसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है उसके बाद आप देखेंगे वो नो वेरी वोटाइल वो वोल्टाइल नहीं होते हैं क्योंकि वो लार्ज मालिकूल होते हैं उसमें जो कार्बन का तादाद ज़्यादा होता है वो हार्ड टू इग्नाइट वो मीन्स जो इग्नाइट हम उसको करेंगे तो वो मीन हार्ड तो होंगे उसके बाद डस नॉट फ्लो इजली वो ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये आप जहन मैंने जो काले मतलब इसकी जो जो यहाँ पर जो देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो ये इसका स्मॉल मालिकूल होंगे गैसेस नेचर में होंगे तो यहाँ पर क्या हैवी लिक्विड नेचर में तो होंगे तो, तो ये आपको जहन में होना चाहिए उसके बाद आप देखेंगे जो इम्पॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम क्या पेट्रोलियम की क्या इम्पोर्टेंस क्या सबसे पहले जो क्रेकिंग इज़ अप्लाई टू हायर मालिकोल कन्वर्ट इन टू स्मॉलर मालिकोल ठीक है जो इसमें हम क्रेकिंग करवाते हैं क्रैकिंग मीन तो उसको डिकम्पोज कराए थे तो उसमें लार्ज मालिकूल होते हैं स्मॉलर मालिकूल में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है जो फर्स्ट केस में ये पॉइंट है वो जो सेकंड केस में तो गैसोलाइन या पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन जो गैसोलाइन होते हैं वो मिक्सचर किसके होते हैं दो इम्पॉर्टेंट आपको ये कंपाउंड तो इसमें हेक्सेन हेक्सेन एंड हेप्टेन तो हेक्सेन उसमें जो कार्बन कहता था सिक्स होता है जो हाइड्रोजन होते हैं फोर्टीन होते हैं और जो हेप्टेन है उसमें कार्बन का सेवन तादाद होता है और उसमें जो हाइड्रोजन का सिक्सटीन तादाद होता है तो ये क्या है तो गैसोलाइन या पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन या हेप्टेन के होते हैं उसके बाद डिमांड डिमांड ऑफ गैसोलिन इंक्रीज डिमांड ऑफ गैसोलिन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज यूज यूज इन ऑटोमोबाइल या एयरप्लेन तो पेट्रोलियम की डिमांड तब बढ़ती है जब जो वो यूज़ ऑटोमोबाइल्स हमारे जो गाड़ियों वगैरह उसमें ज़्यादा यूज़ होगा तो तो पेट्रोलियम की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है और ओक्टेन इज़ ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ गैसोलीन या पेट्रोल तो यहाँ पर ओक्टेन एक आर ओक्टीन मीन एक नंबर है ऑक्टेन एक नंबर है जो पेट्रोलियम की क्वांटिटी को क्या इंक्रीज करवाता है क्या ऑक्टीन इज अर्डर टू इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ गैसोलीन या पेट्रोल ठीक है जो पेट्रोलियम पहले जो ज़मीन से मिलता है, है तो वो पेट्रोलियम होता है जो उसको रिफाइन के बाद आता है तो उसको हम पेट्रोल कहते हैं पेट्रोलियम और पेट्रोल में एक डिफरेंट है तो पेट्रोलियम पेट्रोल पर हम बात नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डीपली पढ़ेंगे तो ये जो आज हमारा लेक्चर था ये ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोलियम तो ये इसमें से बहुत सारी जो हम डीपली चीज़ें इसको डिस्कस की थी इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे तो आगे फर्दर जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हो उस पर डिस्कस करेंगे ओके ऑल द बेस्ट